शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जारी है कार्रवाई। त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। क्या रही कार्रवाई? ये हमें सूचना मिल रही थी लगातार, अभी दिवाली आने के पहले ये सिंथेटिक मावा बनने की सूचना है और ये सप्लाई झांसी में होने की सूचना मिल रही थी एक बस से, तो उसके लिए हमने प्रयास किए थे, शुरू कर दिए थे। सूरजपुर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर हुआ हादसा। दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन हुई रद्द। विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उतारा। जबलपुर में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल हुई नष्ट। नुकसान को देखते हुए सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हमारे इधर का ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए हम लोग हल्की फसलों का ज्यादा उत्पादन करते हैं। हमने अभी मक्का लगाया था, तो जब हमने मक्का भीड़ में त्योहारों के मद्देनजर मिलावट पर हुए सक्रिय, पुलिस ने 2 टन मावा किया जब्त। उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था मावा। हमें सूचना मिल रही थी लगातार, अभी दिवाली आने के पहले ये सिंथेटिक मावा बनने की सूचना है और ये सप्लाई झांसी होने की सूचना मिल रही थी एक बस से, तो इसके लिए हमने प्रयास किए थे, शुरू कर दिए थे। 2-3 दिन हो गए इसके पीछे हम लगे हुए थे। बैतूल में मानवता क्रूरता की सभी हदें पार। बच्चे के शरीर पर दागे लोहे की गर्म रॉड। पुराने जख्मों को ठीक करने के लिए घर वालों ने झाड़ फूंक कर लिया सहारा। बच्चे को दुकान भेजे थे सर, वापस लौटने में वो गिर गए, ब्रेक कार है ना जो गली में, वो ब्रेक कार में गिर गई। फिर सूजन आ गए तो साथ में मस्त में स्कूल में गई और साथ में दम मजे। देवलपुर में आरएसएस ने निकाला पंथ संचलन, जगह जगह किया गया स्वागत। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल राहत तैनात। संभल के जलालपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर तनाव। विवाद बढ़ने पर जमकर बरसा पत्थर और ईंट। आधे दर्जन लोग घायल। वीडियो वायरल। कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चे बुजुर्ग समेत दिव्यांग लोगों ने भी लिया हिस्सा। ये आजादी के अमृत महोत्सव का भी एक पार्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव जो कि 12 मार्च को प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑलरेडी साबरमती में स्टार्ट कर दिया गया, उसके अंतर्गत देश के विभिन्न विभाग डिपार्टमेंट द्वारा मिनिस्ट्रीज द्वारा कई कार्यक्रम किए। रायगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता नंद कुमार साहब पहुंचे एसपी ऑफिस। पुलिस प्रशासन से आदिवासी युवक की हत्या मामले में 1 करोड़ का मांगा मुआवजा। हैं बहुत दुखी हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन लोग हैं मैं किसी का बहुत नाम नहीं जानता, लेकिन वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप बालाघाट में 12 सिद्धि अमर शहीद की शहादत को नमन। शहीद के स्मारक पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष समेत विधायक प्रदीप जायसवाल और कई लोग रहे मौजूद। अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश था, पुलिस स्मृति दिवस हम मना रहे हैं 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो 23 अक्टूबर डेट तय की थी, शहीद की जो जन्मस्थली है वहाँ जाकर हमें एक कार्यक्रम आयोजित करना था। जबलपुर में त्रिवेणी हेल्थ केयर अस्पताल में विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। गंभीर मरीजों के इलाज में भी नहीं आती है कमी। मेरा मानना है कि उनके डॉक्टर के समकक्ष उनसे कहीं भी कम नहीं, और कई बातों में तो हम लोग उसके आगे, और कई बातों में एक दो बातों में नहीं, कई बातों में जिसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, ताकि अपने पास समय कम रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुकरू तक 89 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की धज्जियां उड़ी। खटिया निर्माण से जगह जगह पड़े गड्ढे, बनने से पहले ही उजड़ी सड़क। भैंसे से कुकरू तक ये जो रोड बन रही है,
लगभग 90 करोड़ रुपए के लागत की बन रही है। तो यह रोड का निर्माण कार्य चालू है, तो यह किस प्रकार बन रही है? ऐसा लग रहा है कि घटिया किस्म की बन रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की तबीयत बिगड़ी, बुखार के चलते वापस जेल भेजा गया, आशीष के ब्लड सैंपल लिए गए। डॉक्टर्स का पैनल उनको देख रहा था, तो कल रात को फिर उनकी जांचें हुई हैं, तो उन जांचों में डेंगू पॉजिटिव आया है। डेंगू पॉजिटिव को कन्फर्म करने के लिए खंडवा लोकसभा उपचुनाव में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की हमशक्ल की एंट्री होने पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशान, बीजेपी ने किया पलटवार, कहा योगी की शक्ल का ये पार्टी कार्यकर्ता है जो चुनाव प्रचार कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्था को भी चुनौती देने वाली वो बात है कि जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बतौर मुख्यमंत्री काबिज है और भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन में उन्हीं की लोकप्रियता को भुना रही है, स्टार प्रचारक वे ही है। वन विभाग की टीम को मिली सफलता, चार दिन बाद गांव से पकड़ा गया मगरमच्छ। मगरमच्छ के आतंक से ग्रामीण शाम को अपने घरों में कैद हो जाते थे, अब ग्रामीणों ने ली है राहत की सांस। पुलिस ने 4 घंटे में हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। आपको बता दें मामले विवाद के चलते मृतक के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें दो व्यक्ति होटल से कुछ खाने पीने के लिए गए थे, वहाँ पे पहले से 2 लोग मौजूद थे। इसी खाने पीने के दौरान इन दोनों में विवाद हो गया, विवाद के बाद विवाद आगे बढ़ते बढ़ते ओंकारेश्वर में बंद परियोजना NHDC की कोशिश चली लापरवाही की भेंट, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 लाख रुपए की लागत से की गई थी व्यवस्थाएं। सर है तो नहीं, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी ललित कुमार चौहान CSC मानधाता और सर के निर्देशानुसार मैं गाड़ी चलाता हूँ और बाहर मेरे पास बैच भी है और लाइसेंस भी है। हिमाच की ग्राम पंचायत माला खेड़ा के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान, व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं होने के चलते दिक्कतें झेलने को मजबूर हैं लोग। हमने जो है पत्र जारी करके वर्षा काल में जहां पर भी इस प्रकार के भवन हैं उनकी जानकारी मंगा के प्रस्ताव जो है रिपेयरिंग के लिए भोपाल भेजे हुए हैं, तो वहाँ से हमें राशि प्राप्त होगी तो हम उनको सही करवाएंगे। पन्ना में बकरी चोर गिरे से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर किया शांत। उज्जैन में करवा चौथ पर महाकाल मंदिर स्थित चौथ माता मंदिर में हुई सजावट, भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर की गई पूजा अर्चना। यहाँ पे महाकाल मंदिर में परिसर में नवग्रह मंदिर के समीप चौथ माता गणेश जी विराजमान है, जो चतुर्थी वाली विशेष प्रतिमा और विशेष पूजन का महत्व जिसका रहता है चतुर्थी का, चौथ माता गणपति का,